हेलो गाइस, मैं हूँ आरबी सुथार और स्वागत है मेरे टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक इलेक्ट्रो हब में। ये मेरे पास ई गेट का i9 प्रोजेक्टर और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें डस्टिंग आ गई है। तो चलो हम जानते हैं इस डस्टिंग को कैसे क्लीन करते हैं और इसके पार्ट्स के बारे में। तो पहले इसके टॉप कवर को ओपन कर देते हैं। और ये टॉप कवर कवर के ऊपर ये कंट्रोल पैनल लगा है, तो इसको वायर लगा हुआ है, तो इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देते। और ये सब इसके कनेक्टर और ये एलसीडी का कनेक्टर है, इसको रिमूव कर देते हैं हम पहले। और ये स्पीकर का कनेक्टर, चलो इस मदरबोर्ड को भी हम निकाल देते हैं। और ये पावर सप्लाई का कनेक्टर भी निकाल दिया है। और ये इसके नीचे जो VGA पोर्ट का कनेक्टर, इसको भी निकाल लेते हैं। ये लेंस की असेंबली, अभी इसके लेंस को ऊपर के कवर को पहले निकाल देते हैं। ये इसके पास है पोलराइज फिल्म और ये है फ्रेसनल ग्लास और बीच में ये एलसीडी पैनल। चलो इस लेंस को निकाल लेते हैं, ये ऊपर का जो सेटिंग्स का नॉब है इसको निकाल लेते हैं। और पहले ये नीचे के जो स्क्रू है लेंस के, वो रिमूव कर देते हैं। ये है इसका मिरर, इसको भी अभी क्लीन कर देते हैं। ये लेंस निकल नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा स्क्रू से ढीला कर देंगे। इसके कवर को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। चलो इसको लेंस को निकल दिया है अभी, चलो इसको भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ये फ्रेशनर ग्लास और बीच में है ये एलसीडी पैनल, इसको भी क्लीन करके थोड़ा साइड पे रख देते हैं। चलो इसके अभी देखते हैं इसके एलईडी सेक्शन को खोलकर क्या है इसके अंदर। ये इसके पास आगे जो पोलराइज फिल्म जो ग्लास के साथ में ही आता है, जो हेल्प करता है प्रोजेक्शन के लिए। अभी ये कवर को भी निकाल देते हैं ऊपर के एलईडी के।
ये है रिफ्लेक्टर इसका और ये है एलईडी जो हीट सिंक और कूलिंग के साथ में ही आता है, और ये कूलिंग के हीट बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन। जो ये एलईडी है मिनिमम 50 वाट्स की होती है। चलो इसको अभी वापस लगा देते हैं इस रिफ्लेक्टर को भी। और ये है इसका SMPS जो मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के और लेंस एलईडी को और एग्जॉस्ट फैन को चलाने में हेल्प करता है। इसको भी लगा देते हैं वापस। इसको फ्रेशनल लेंस को थोड़ा क्लीन कर देते हैं। जो दोनों साइड फ्रेशनल लेंस होता है रिफ्लेक्टर के आगे और एक होता है जो LCD के आगे, जो ये पोलराइज फिल्म जो इसको भी क्लीन कर देते हैं। और इसको हमको जिस पोजीशन में हमने निकाला था उसी पोजीशन में इसको बिठाना पड़ेगा। अगर गलत या उल्टा सुल्टा बिठा दिया तो इमेज शायद नेगेटिव भी आ सकती है। ये थोड़ा लगेगा रिफ्लेक्टर के आगे। और इसके बीच में आगे ये LCD पैनल। अभी LCD को भी क्लीन करके इसको अभी लगा देते हैं। जिस पोजीशन में लगाया था उसी पोजीशन में फिट कर देते हैं। बस इसको लगा देते समय इसका बेल्ट का ध्यान रखें। अगर बेल्ट थोड़ा भी वो क्रैक हो गया तो पूरी LCD ख़राब हो जाएगी। अब इस लेंस को भी बिठा देते हैं। जो इसका पूरा डस्टिंग है वो सब क्लीन हो चुका है अभी। बस ये आगे और को थोड़ा निकालना पड़ेगा ये लेंस को निकालने के लिए। अभी उसको वापस फिटिंग कर देते हैं। अभी फोकस लेंस को भी फिटिंग कर दिया है। अभी ये कीस्टोन को भी अभी फिटमेंट कर देते हैं जो फ्रेशनल ग्लास के साथ अटैच होता है। अभी मैंने LED कवर को भी फिटमेंट कर देते हैं। अगर सही से फिटमेंट नहीं हो रहा तो एक बार एग्जॉस्ट फैन को सही से एलाइनमेंट में फिटमेंट करके बाद में फिट कवर को फिट कीजिए। और ये मदरबोर्ड अभी इसको भी फिटमेंट कर देते। पहले ये VGA कनेक्टर को लगा देते। और ये पावर कनेक्टर, ये स्पीकर का कनेक्टर, पहले ये लगा एग्जॉस्ट फैन का कनेक्टर लगा दिया है, अब ये स्पीकर का कनेक्टर लगा देते। और ये LCD पैनल का बेल्ट लगा देते हैं जो ध्यान से लगाना है। चलो इसको भी मदरबोर्ड को भी अभी फिटमेंट कर देते हैं। एक बार इसको चालू करके देख लेते हैं।
अभी डे लाइट है इसलिए सही से अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। चलो अभी ऑफ करके अभी इसको फिटमेंट कर देते हैं। और ये लेंस, फोकस लेंस के भी स्क्रू है, वो भी फिटमेंट कर देते हैं। अब इस कवर को अभी कवर को भी अभी फिटमेंट कर दिया है अभी। और दोस्तों ये मैंने ऑडियो जो रिकॉर्ड किया है मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि पहले जो मैंने ऑडियो ये वीडियो के साथ में रिकॉर्ड किया था वो डिस्टॉर्शन के साथ था। अभी ये ऊपर के पैनल को भी कनेक्टर भी लगा देते हैं, पैनल का कनेक्टर। अभी ये प्रोजेक्टर पूरे नीचे से भी इसको टॉप कवर को फिट कर देते हैं। अभी फिटमेंट हो चुकने के बाद में इसको कॉर्ड वायर को लगा देते हैं और पेन ड्राइव भी लगा के इसको ऑन करके एक बार फिर देख लेते हैं। प्रोजेक्टर ऑन हो चुका है, अभी इसमें वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।